When my scooter got stuck. मेरी स्कूटर हो गई खराब, आज पता चलेगा EB8OC का कस्टमर सर्विस. डे वन. I found my scooter broken. I called customer care. They didn't answer. It's been a whole day of calling. I messaged them on WhatsApp at night. No response. It's been a whole week of continuous effort of trying to get them, but I feel like they're not putting efforts. Day two. Today they said that scooty will have to be taken to Noida or Chhatarpur to get it fixed. After saying this, they cut the call. Day 3. Next day I tried again. This time they said that you'll have to bring the scooty here and there's no other solution. When he said this, I said that scooty is in Delhi and it's impossible to take the scooty from Delhi to Noida or Chhatarpur because it is 20 to 22 kilometers far. Teesra din bhi nikal gaya. Hello Karthik bhai. अच्छा 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 दिख गया दिख गया. अच्छा ठीक है, एक सेकंड. दिस आई टॉक विद कार्तिक, सो लेट्स डू इट. हेलो कार्तिक भाई, कपलर खुल गया है और दूसरी चीज मुझे बोलना था, मेरी डिग्गी भी नहीं खुल रही है. इसमें ग्रीन बैटरी जो लगा उसको खींचने से डिग्गी खुल जाएगी. I've just reached the location and there's this guy. Bandar hai bhai sahab. Let's go. काम हो गया 10 मिनट के अंदर, 7 मिनट भी नहीं हुए. दीपक भाई एंड इनकी टीम, थैंक यू सो मच दीपक भाई करने के लिए. नाउ द स्कूटर इज डन. इग्निशन एंड एक्सेलरेटर थ्रॉटल खराब था. तीन बंदे थे. दीपक भाई आपका नाम क्या भाई? अंकित भाई. और उनका नाम? नितेश भाई. सो दे डिड इट इन लाइक 7 मिनट्स. गुड जॉब. थैंक्स भाई. आई वुड हैव इजीली फिक्स्ड द थ्रॉटल एंड द इग्निशन एट होम बाय माय सेल्फ, बट आई वांटेड टू शो यू कि वो लोग किस तरीके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. अल्टीमेटली स्कूटर वर्कशॉप में ही ठीक हुआ, घर में कोई सर्विस नहीं मिली. एंड दूसरी बात ये, दिस कॉस्टेड मी ऑलमोस्ट 900 to 1000 रुपीज़ फॉर द इलेक्ट्रिक थ्रॉटल एंड इग्निशन.